साथियों नमस्कार। बात करेंगे एसएससी भर्ती 2018 के बारे में। तो देखिए, आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो एसएससी भर्ती 2018 की सेकंड लिस्ट का। तो फाइनली सर, जो आपका 3/5/2024 को कोर्ट में सुनवाई थी, उसका जो आदेश था वो अपलोड नहीं किया गया था, लेकिन सर आज इसका जो आदेश है वो अपलोड कर दिया गया है। तो आदेश में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और क्या सेकंड लिस्ट का आदेश हुआ या नहीं हुआ, और इस आदेश के बाद आपको क्या करना है और आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको एसएससी भर्ती जुड़ी कोई भी अपडेट हो तुरंत सतो अब तक पहुंच जाए। तो ये आदेश तो जो मेन आदेश है उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, और इसमें और ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो आपके काम की चीज़ें नहीं हैं। तो ये जो आदेश है वो आप लोग पहले देख लो इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उनको ये आदेश मैं पहले इंग्लिश में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ऑनरेबल जस्टिस मिनी पुष्करणा जी, ऑर्डर 3/5/2024 को, जो आपकी 3 तारीख को सुनवाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि ऑर्डर जो है अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन आज की डेट में ये ऑर्डर अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो ये है इंग्लिश का वर्जन, आप लोग देख लो इसमें। ठीक है, और इसका जो PDF है आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पर या तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से ज़रूर देख लेना जाके। तो अब आपको समझाता हूँ मैं हिंदी में कि इस आदेश का जो मतलब है वो हिंदी में क्या है। तो देखिए, वही सेम आदेश है हिंदी में, मैं इसको कन्वर्ट कर लिया हूँ तो आपको समझाने में थोड़ा से आसानी हो जाएगी। तो इसमें सब तो लिखा हुआ है कि संघ, भारत संघ के विद्वान स्थायी वकील ने एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने सतो जो विद्वान वकील हैं विपक्षी कल के, उनको हलफनामा जारी करने के लिए बोला गया था। तो उन्होंने हलफनामा जारी किया था जिसमें यह बताया गया था कि 21 दिसंबर 2022 का आक्षेपित निर्णय, जो WPC संख्या विवादित विभिन्न रीट याचिकाओं में पारित एक सामान्य निर्णय 60/2020 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका सिविल डायरी संख्या 12/263/2023 में पारित आदेश दिनांक 7 जुलाई 2023 द्वारा रोक लगा दी गई। तो अब देखिए, आपकी जो भर्ती पे था तो वो है जो आपकी मतलब कि सेकंड लिस्ट पे है उस पर स्टे लग गया है। ठीक है, अब ये स्टे कब तक रहेगा और कब तक नहीं रहेगा ये सब तो कोई भी निश्चित नहीं है। ठीक है, अब स्टे लग गया है तो आप लोग ये भूल जाओ कि सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली है आपकी। ठीक है, अब स्टे लग गया है, यहाँ तक उम्मीद लगभग सतो यहाँ पर 90% थी कि सेकेंड लिस्ट आएगी, लेकिन अब इसकी उम्मीद सतो बहुत कम हो चुकी है क्योंकि सेकंड इस पर स्टे सतो कोर्ट ने लगा दिया है। और इसमें नीचे क्या है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ एवं उन्होंने बनाम के मामले में पारित आदेश दिनांक 7 जुलाई 2023 प्रेम सिंह और अन्य, जो निर्विरोध रूप से उन मामले समूह का एक हिस्सा है जिनका निर्णय उस न्यायालय के डिवीजन बेंच द्वारा पारित 21 दिसंबर 2022 के सामान्य निर्णय द्वारा किया इस प्रकार है। ठीक है, और ये प्रकार आप लोग देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है कि विलम्ब क्षमा किया गया, जारी नोटिस दिसंबर 2023 के महीने में वापस किया जाता है, सेवा माफ कर दी गई है, और प्रतिवादी संख्या की ओर से विद्वान वकील थी अंकुर छिब्बर द्वारा नोटिस स्वीकार किया गया है। तो ये है प्यार से तो पूरी न्यूज़। आप लोगों को जो उम्मीद थी कि बच्चों की जो सेकेंड लिस्ट आने की, उस पर सतो यहाँ पे पानी फिरता हुआ दिख रहा है। ये तो सतो सरासर बेईमानी होगी क्योंकि 62,000 प्लस वैकेंसी थी आपकी और 1,00,000 प्लस बच्चे जो है तो मेडिकल क्वालिफाई किए थे, और आप लोगों ने सतो 62,000 बच्चों के रिजल्ट ना देखे, आपने सिर्फ लगभग 55,000-54,000 बच्चों को रिजल्ट दे दिया, और जो मेडिकल फिट कैंडिडेट थे वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, ये सरासर आप लोगों के साथ अन्याय है और अन्याय हुआ है। अगर ये न्याय नहीं हुआ तो बहुत बड़ा एक पूरे भारत पे एक धब्बा बन जाएगा। ठीक है, तो अभी सा तो उम्मीद है, कुछ देखते हैं क्या होता है। स्टे तो लगा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 जुलाई 2023 द्वारा रोक लगा दी गई। तो एक आदेश आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक SSC ने एक SLP दायर की थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी कि जो आदेश है दिल्ली हाईकोर्ट का, उत्तराखंड हाईकोर्ट का, उसको माना जाए और जो सेकंड लिस्ट जारी की जाए। हो सकता है कुछ ना कुछ उम्मीद जगे, और आप लोग देख लो चुनाव का माहौल है तो अपना समझ लेना कि सेकंड लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। ठीक है, पर्चो
अब मुझे तो नहीं लगता सेकेंड जारी होगी। तो कल के अपडेट जो था तो है वो 2015 वाली वैकेंसी की है, उसमें बहुत बड़ा अपडेट एक आदेश और उसमें आया है। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, तो जय हिंद जय भारत।